तुम्हाला चावले बरोबर आठ दिवस कसं होतं सांगायला नाही होत कसं आहे नक्षत्र कुत्री. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं अपडेट लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, इस समय इंटरनेट पर फेसबुक पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. देख सकते हैं ये वीडियो जो है, इसमें एक शख्स को एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जो है जिसको एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है उसको कुत्ते ने काटा और उसका इन्फेक्शन फैलने के बाद ये शख्स खुद कुत्ते जैसा बिहेवियर करने लगा, लोगों के ऊपर भौंकने लगा और इस तरह से इसके हालात हो गए. और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो कहाँ का है इसकी सटीक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये वीडियो महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र का है. भाषा से ऐसा जरूर समझा जा सकता है. साथ ही साथ इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि कुत्तों का जो इस समय प्रभाव है, आवारा कुत्ते काफी बढ़ चुके हैं. हर शहर में आवारा कुत्तों के काटने से कई लोगों के जख्मी होने की और यहाँ तक कि मौत की भी खबरें आती है. ये जो वीडियो फेसबुक पे वायरल हुआ, इसमें भी कई लोग कमेंट में अपनी राय बता रहे हैं. कई लोग बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या क्या हादसे हो चुके हैं. फेसबुक पर इस वीडियो में काफी वायरल कमेंट भी लोग कर रहे हैं. एक तरफ जहाँ पशु प्रेमी ये कहते हैं कि जानवर है उनके साथ में क्रूरता नहीं करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इनकी बढ़ती आबादी मानव जाति को किस तरह से तकलीफ कर रही दे रही है, ये इस वीडियो से जाहिर हो रहा है. हम बात करें वसई विरार की, तो वसई विरार अंतर्गत भी हजारों बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा आवारा कुत्ते सड़क पर दौड़ते हुए नजर आएंगे. और हर समय, खास करके रात के समय में, जब कोई बाइक सवार अपनी गाड़ी लेके जाता हुआ तो ये कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं, कई बार उससे हादसे तक हो जाते हैं. वसई विरार महानगर पालिका में श्वान प्रजनन को रोके जाने के लिए कई योजनाएं पहले लागू की गई थी, लेकिन आज वो अमल में नहीं है ऐसा लग रहा है. वसई विरार महानगर पालिका में कहीं न कहीं बढ़ती कुत्तों की जनसंख्या एक चिंता का विषय है. महानगर पालिका को इस पर सोचना चाहिए और कम से कम इन कुत्तों के साथ कोई क्रूरता नहीं की जाए, लेकिन इनकी आबादी नहीं बढ़े इसका ख्याल रखना चाहिए. नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि इनके आतंक से मानव जाति को काफी मुश्किल आएगी. बीच बीच में भी कई बार अलग अलग जगह से वीडियो आए जिसमें बच्चों को नोचने के वीडियो थे, बच्चों को काटने के वीडियो थे, तो काफी चिंताजनक स्थिति आज के समय में बनी हुई. एक तरफ जहां कुत्ते के बढ़ने के कुत्तों की जनसंख्या वृद्धि हो रही, वहीं दूसरी तरफ कुत्तों के काटने पर होने वाले रेबीज के इंजेक्शन तक महानगर पालिका में कई बार समय पर मिलते नहीं. ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ के क्षेत्र में. तो एक बार फिर से बता दें आपको, ये वीडियो है महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र का जहाँ एक शख्स को कुत्ते ने काटा और उसके बाद में वो शख्स कुत्ते जैसा बिहेवियर करने लगा. अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786